गोली लगने के बाद जाप नेता अस्पताल में भर्ती, युवा अध्यक्ष ने की मुलाकात। कहा, सुशासन राज में अब घर में घुसकर मारी जा रही गोली, दुर्भाग्यपूर्ण। पटना, 13 सितंबर, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव सह पूर्वी चंपारण जिला प्रभारी आनंद कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह की अपराधियों ने उन्हें पाटलिपुत्र स्थित आवास पर गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में रुबिन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसकी सूचना मिलने के बाद आज जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर अस्पताल पहुंचे, उनके बारे में जानकारी ली और कहा कि यह तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, अब अपराधी घर में घुसकर गोली मार रहे हैं। यह प्रदेश में कैसा सुशासन है कि अपराधी बेखौफ होकर घर जाकर गोली मार रहे हैं। दानवीर ने कहा कि आनंद सिंह की हालत अभी नाजुक है, वे अभी बोलने की हालत में नहीं है। ऐसे में उनके ससुर से हमारी मुलाकात हुई है। घटना किन वजहों को लेकर हुई, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। यह अपराधियों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा। सूचना है कि पुलिस छानबीन में जुटी है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द वे अपराधियों को पकड़कर कार्रवाई करें और अनंत सिंह जल्द स्वस्थ हों। उन्होंने कहा कि अभी अस्पताल में पार्टी के तमाम बड़े नेता व पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं, सभी उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के मंसूबे कितने हैं, यह साफ जाहिर होता है। सुशासन राज की हालत ऐसा है कि लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। स्पष्ट है कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, किन्हीं को घर पर ही मैंने गोली मार दिया गया, तब इसमें हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो अपराधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जैसे ही हम लोगों को खबर मिला, हम लोग पार्टी के साथियों के साथ और अन्य परिवार भी थे उनके, रुबन हॉस्पिटल पहुँचे उनको देखने के लिए। वो बोलने की स्थिति में नहीं है, आईसीयू में है, और हम भगवान से दुआ करेंगे, पार्टी के हर कार्यकर्ता दुआ करेंगे कि वो जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच आएँ। ये पार्टी के बहुत ही समर्पित और ऊर्जावान पदाधिकारी थे और एक तरह से हम लोग इनके साथ हैं, पूरी पार्टी इनके साथ है, खड़ी है। घटना के कुछ कारणों का पता चला है? घटना का अभी प्रकाश नहीं हुआ कि आखिर क्या वजह थी। सिर्फ हमें इतना ही कहेंगे कि आखिर मामला क्या था, ये तो थोड़ा सा अपने प्रशासन क्लियर करें। वही तो बोल रहे हैं कि अपराधी को गिरफ्तार करें, तभी तो मामला क्लियर होगा, क्योंकि जिनको गोली लगा वो बोल नहीं सकते अभी। तो आखिर मामला तो पहले क्लियर हो जाए कि आखिर मामला क्या है। अभी हम लोग, हमारे पार्टी के थे, ऊर्जावान नेता थे, पदाधिकारी थे, इस व्यू से हम लोग आए हैं देखने के लिए, और हम लोग जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।